बहुत अच्छा काम किया है. नो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो वॉच परे. की स्क्रीनिंग पर पहुंचे कई टेलीविजन स्टार्स. फर्रे मूवी की हर जगह हो रही है चर्चा. ऐसे में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई जहां टेलीविजन इंडस्ट्री से आए बहुत सारे स्टार्स. जूम लेकर आए हैं आपके लिए इसकी खास झलक. Wasn't expecting it to be that good. The story was very simple, very nice. Yes. Alize acting didn't ever feel that this is her yes. first movie. So as an audience, I'm not like disappointed at all. Neither of the actors, of the storyline, of the direction. It was fabulous and it was amazing. You know. निकी शर्मा को हुआ डेंगू, शूट से लिया ब्रेक. सीरियल प्यार का पहला अध्याय. शिव शक्ति की शक्ति यानी के निकी शर्मा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है. दरअसल निकी को हुआ है डेंगू, जिसकी वजह से आजकल वो सेट पर नहीं आ रही हैं. निकी के सीरियल का सेट मीरा रोड में है जो थोड़ा सिटी से हटकर है. वेल वी होप निकी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए और अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दे. औरी ऑल्सो नोन एज ओरहान अवथरामनी की होगी बिग बॉस 17 के घर में एंट्री. बिग बॉस 17 में होने वाली है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री, जिसके लिए कई सारे सेलेब्स के नाम सुर्खियों में हैं. वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम सामने आ रहा है जिसके बारे में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरी, हु इज नोन एज बॉलीवुड स्टार किड्स बेस्ट फ्रेंड एंड एन इंटरनेट सेंसेशन. औरी हाल ही में काफी सुर्खियों में थे जहां लोग उनकी पहचान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उनके कनेक्शंस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिज प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. वहीं अब खबरें आ रही हैं कि औरी इज सेट टू जॉइन द बिग बॉस हाउस एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड हिज अराइवल इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द वीकेंड का वार एपिसोड. फिलहाल अभी तक इस बात में कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है.